हेलो फ्रेंड्स, अभी हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर थर्ड। नाइन्थ क्लास का ये चैप्टर है। आपको जो इंट्रोडक्शन है इसका वो ध्यान से करना है। अच्छे तरीके से अगर आपको इंट्रोडक्शन समझ आ गया तो इसके जो क्वेश्चन है वो आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, इसका जो इंट्रो पार्ट है वो देखिए क्या दे रखा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी पॉइंट है प्लेन के ऊपर, जब आप उसको चेक करेंगे तो उसके अंदर आपको रिक्वायर होती है किसकी, दो परपेंडिकुलर लाइंस की। जैसे ये प्लेन हो गया, ये प्लेन, इस पे हमने कोई भी एक पॉइंट लगा दिया तो इसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, दो परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है और एंगल कितने डिग्री का बनाती है, 90 डिग्री का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। एक लाइन को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, और दूसरी लाइन को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल। जैसे ये दो लाइनें हो गई, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है 90 डिग्री के ऊपर, तो यहां से आप उनको चेक करेंगे। तो देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है बिल्कुल सीधी, स्केल सी, थोड़ी सी तिरछी लाइन हो गई, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी ये सीधी, जैसे ये लाइनें लगी हुई है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और नेक्स्ट जो लाइन होगी हमारे पास, वर्टिकल लाइन, जो इस टाइप से होगी, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट। स्केल से आप करेंगे तो यहां से स्केल नहीं है, इस वजह से ये थोड़ा इधर उधर हो रही है। एक ओरिजेंटल लाइन हो गई और एक हमारे पास क्या हो गई, वर्टिकल लाइन हो गई। प्लेन के ऊपर हमारे पास ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई, जिसको हम ओरिजेंटल और वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ये जो प्लेन होगा, ये जो प्लेन है, बिल्कुल ये हमारे पास प्लेन है 2D शेप में। प्लेन को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन, या फिर आप इसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट प्लेन, एंड द लाइंस आर कॉल्ड, और इस पे ये जो लाइन होती है इनको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। क्लियर। अब ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये इस प्लेन को डिवाइड करते हैं। देखिए, जैसे ही ये ओरिजेंटल और वर्टिकल, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में जैसे कट करते हैं, तो ये इस प्लेन को डिवाइड करते हैं। कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया, और ये क्या हो गया, फोर्थ पार्ट हो गया। और जब ये एक्सिस आपस में कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। इसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन। जब दोनों एक्सिस आपस में कट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। क्लियर। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। जो डिस्टेंस होगी फ्रॉम वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी, उस वो आपके पास किधर होगी, एक्स कोऑर्डिनेट के पॉइंट के ऊपर होगी। जैसे ये वाई एक्सिस हो गया इधर 1, 2, 3, 4, 5, इस टाइप से ये हमारे पास क्या हो गई, इट्स एक्स कोऑर्डिनेट हो गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा। एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होते हैं, एक्स का जो पॉइंट होता है, एक्स के पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा। और ये एक्स एक्सिस से कितनी दूरी के ऊपर होते हैं, ये जो पॉइंट होते हैं वाई एक्सिस के ऊपर, इन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। यानी कि एक्स एक्सिस के जो पॉइंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा पॉइंट बोलते हैं। और जो वाई के कोऑर्डिनेट जो होते हैं, वाई एक्सिस पे जो होते हैं वाई के कोऑर्डिनेट, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्लियर। तो इसके बाद नेक्स्ट, द एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज एक्स।
जो एबसिसा होता है वो जो पॉइंट होता है वो एक्स का पॉइंट होता है। अभी बताए एबसिसा ये एक्स का पॉइंट होता है और जो ऑर्डिनेट होते हैं ये हमारे पास किसके पॉइंट होते हैं, वाई के पॉइंट होते हैं। और ये एबसिसा और ऑर्डिनेट ये मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं ये, कोऑर्डिनेट पॉइंट, कोऑर्डिनेट पॉइंट एक्स कॉमा वाई, ये होता है हमारे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट। ठीक है, अब जो एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होता है, एक्स एक्सिस के पॉइंट को हम क्या नोट करते हैं, एक्स कॉमा जीरो। एक्स एक्सिस का जो पॉइंट हो गया, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट आ रहा है उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, वाई जीरो हो जाएगा। एक्स एक्सिस पे जैसे 1 2 3 4 5 ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 ये जीरो हो गया। तो इस पॉइंट की अगर बात करेंगे तो ये क्या जाएगा हमारे पास, 2 कॉमा 0 एक्सिस पे आ रहा है। अगर ये पॉइंट है तो इसको आप क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस पे आ रहा है तो हमारे पास एक्स क्या होगा, 0 0 कॉमा 3, ये इसका मतलब। और जो ओरिजिन हो गया, ओरिजिन के ऊपर जो सेंटर पॉइंट होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। क्या होते हैं, 0 0। इधर हमारे पास क्या हो जाएंगे, नेगेटिव नंबर आ जाएंगे, -1 -2 -3 -4 ऐसे ही, -1 -2 -3। क्लियर, ये जो एक्स एक्सिस होता है जो हमारे पास राइट हैंड साइड होगी, जैसे आप खड़े होते हैं तो आपके पास ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में एक्स किसका होता है, प्लस का होता है, पॉजिटिव होता है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एक्स क्या होगा, माइनस का। आप इसको माइनस एक्स नोट कर सकते हैं या फिर आप इसको एक्स डैश भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से जैसे ये हो गया तो ये हो गया एक्स और ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई और ये हो गया वाई डैश, और ये क्या हो गया, ओरिजिन। क्लियर, तो और इसी टाइप से ये वाई हो गया और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस वाई या वाई डैश, दोनों में से एक चीज आप कोई भी नोट कर लेना जो आपको अच्छा लगे। अब जैसे ही दोनों एक्सिस ने कट किया तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट बन गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों साइन कैसे होंगे, पॉजिटिव। पहले हमेशा याद रखना कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के अंदर पहले एक्स का पॉइंट नोट करते हैं और बाद में वाई का पॉइंट नोट करते हैं। जब भी आप प्लॉट करेंगे नंबर पहले एक्स का देखेंगे बाद में वाई का चेक करेंगे। देखिए दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी प्लस का होता है और वाई भी प्लस का होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, एक्स माइनस का मिलेगा वाई किसका मिलेगा, प्लस का, वो पॉइंट आपके सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या मिलेंगे, माइनस माइनस मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, दोनों ही माइनस के मिलेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या मिलेगा, प्लस माइनस। अब देखिए इनको आप आराम से समझ सकते हो, ये आपको समझाने के लिए बिल्कुल बाउंड्री लगाइए, इसमें देखना आराम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये जो साइन आए हैं ये आपको याद रहेंगे बिल्कुल। जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में दोनों प्लस के मिलेंगे, जैसे आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट मिल जाएंगे 2 3 5 4 इस टाइप के, दोनों ही एक्स भी प्लस का होगा वाई भी प्लस का होगा, पहले एक्स का पॉइंट होता है बाद में वाई का पॉइंट होता है। देखिए इधर ये एक्स एक्सिस कैसा है, प्लस का है, इधर वाई एक्सिस कैसा है, प्लस का है, दोनों प्लस के हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या हो गया, प्लस, इधर से ये भी प्लस इधर से ये भी प्लस, दोनों कैसे हो गए, प्लस के हो गए। ठीक है, तो ये प्लस वाले 2 कॉमा 3 कहाँ पे आएगा, पहले एक्स का चेक करेंगे ये 2 की लाइन हो गई, फिर 3 वाई पे चेक करेंगे, प्लस का है ना, दोनों प्लस की साइड लेने हैं, 3 ये हो गया, ये दोनों आपस में कट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, 2 कॉमा 3। इधर देखिए वाई माइनस का है, सॉरी एक्स किसका है, माइनस का है, और वाई किसका है, प्लस का है,
तो पहले एक्स का पॉइंट लेते हैं, बाद में वाई का लेते हैं, माइनस प्लस इस टाइप से। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहले हम एक्स का साइन देखते हैं, बाद में किसका देखते हैं, वाई का। तो इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट क्या हो गया, माइनस प्लस। जैसे हमारे पास पॉइंट आ गया माइनस थ्री कोमा वन, तो माइनस थ्री पहले एक्स की तरफ देखेंगे माइनस थ्री, फिर वाई की तरफ देखेंगे वन, ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास माइनस थ्री वन। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं, देखिए एक्स भी माइनस का है वाई भी माइनस का है, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों साइन कैसे होंगे, माइनस के होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स किसका है, प्लस का, वाई किसका है, माइनस का, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसे मिलेंगे, प्लस है माइनस। ठीक है, जैसे इसमें पॉइंट मिल जाएगा माइनस थ्री माइनस टू इस टाइप से, इसमें हमारे पास जैसे मिल जाएगा टू कोमा माइनस वन, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, इस टाइप से आप इसको नोट कर देंगे। टू की तरफ देखेंगे, फिर सेकंड क्या दे रखा है माइनस वन की तरफ देखेंगे, ये हमारे पास पॉइंट क्या हो गया, टू कोमा माइनस वन। क्लियर, समझ आ गया होगा। अब देखिए एक बार ये जो भी पॉइंट है ये एक बार फिर से रिपीट करवा देते हैं आपको, इंट्रोडक्शन वगैरह जो भी है, नोट करना चाहो तो आप यहाँ से नोट भी कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट देखिए, टू लोकेट द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और पॉइंट इज ए प्लेन वी रिक्वायर्ड टू परपेंडिकुलर लाइन। किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, दो परपेंडिकुलर लाइन की रिक्वायरमेंट होती है। क्या बोलते हैं, ओरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन। द प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन एंड लाइन आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो प्लेन होता है उसको आप कार्टेशियन या कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल सकते हैं, और इस पे जो लाइनें होती है उसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को आप एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। दोनों ही एक्सिस जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ये क्या करते हैं, प्लेन को चार हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजन। दोनों पॉइंट जब कट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजन। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। वाई से जो डिस्टेंस हो जाएगी एब्सिसा पे वो पॉइंट मिलेगा। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। इफ द एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज एक्स, जो एक्स पे जो पॉइंट होता है वो एब्सिसा होता है, वाई पे जो पॉइंट होता है ऑर्डिनेट होता है, दोनों ही मिलकर क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स बनाते हैं। द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस और फ्रॉम एक्स एक्सिस पे जो एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होगा एक्स पे वो क्या होगा, एक्स कोमा जीरो, और जो वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, जीरो कोमा वाई। जो ओरिजिन पे जो पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो जीरो। और आपके पास द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स आर फ्रॉम, जो चारों क्वाड्रेंट है उसके चारों साइन हो गए, फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में दोनों नेगेटिव, फोर्थ में प्लस माइनस। पॉजिटिव रियल नंबर को डिनोट करता है, माइनस का जो साइन है नेगेटिव रियल नंबर को डिनोट करता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं। एक हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है जिसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, इधर एक्स पॉजिटिव, इधर एक्स नेगेटिव, इधर वाई पॉजिटिव, इधर वाई नेगेटिव, दोनों आपस में इंटरसेक्ट करती है ओरिजिन पे, ओरिजिन के पॉइंट होते हैं जीरो जीरो। ये इस प्लेन को चार हिस्सों में डिवाइड करता है जिसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस के होते हैं, सेकंड में माइनस प्लस होता है, थर्ड में दोनों माइनस के होते हैं, फोर्थ में प्लस माइनस होते हैं। ठीक है, और इस टाइप से
आप इसमें जो फर्स्ट वाला जो होता है वो एक्स का पॉइंट होता है, वाई का जो होता है वो सेकंड पॉइंट होता है। ये दोनों एक्स और वाई मिलकर कोऑर्डिनेट पॉइंट बनाते हैं। तो ये इसका इंट्रो पार्ट था। क्लियर, अच्छे से समझ आ गया होगा। अब एक्सरसाइज करवाएंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू फ्रेंड्स।